नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके सेक्शन में। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए आरएचसीटी आई लर्न असेसमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज का जो चैप्टर है हमारा वह है नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी और ये है अध्याय 9। दोस्तों आरएचसीटी के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंटरनल असेसमेंट पहले करना जरूरी होता है और कुल 15 चैप्टर हमें करने होते हैं। प्रत्येक चैप्टर दो दो अंक के होते हैं और कुल मिला के 30 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होते हैं और फाइनल एग्जाम 70 नंबर का होता है। तो दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चंस होगा, नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन है एक रूट की बस सूची, ऑप्शन बी एक रूट की रेल सूची, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक रूट की रेल सूची। इसमें हमें रेल के रूट की सूची दे रखी है और वह कौन से वीक के कौन से दिन में चलती है और कौन से दिन में नहीं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन है सीट की उपलब्धता स्थिति, एक रूट की बस सूची, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चित्र दे रखा है वह है ट्रेन में सीट की जो उपलब्धता होती है वह बता रखा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीट की उपलब्धता सूची। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यू रिटर्न्स फॉर्म विकल्प से क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए अपने द्वारा दायर पुरानी आईटीआर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, एक प्रमाण है कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है और अपने द्वारा दायर पुरानी आईटीआर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी एक प्रमाण है कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपने द्वारा दायर पुरानी आईटीआर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं? तो दोस्तों सही आंसर होगा हाँ, हम ऑनलाइन फॉर्म आवेदन जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। ऑप्शन है ऑनलाइन विधि द्वारा, ऑप्शन बी ऑफलाइन विधि द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम ऑनलाइन और ऑफलाइन विधि दोनों द्वारा आधार कार्ड को संशोधित करवा सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आयकर रिटर्न क्या है? ऑप्शन है एक प्रमाण है कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है, बी एक प्रमाण है कि आपने रोड टैक्स का भुगतान किया है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन है राष्ट्रीय चुनाव दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन है नई पंजीकरण के लिए अंग्रेजी व हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं, ऑप्शन बी है सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि कोई सुधार करना हो तो, ऑप्शन सी चुनाव सूची के नाम को खोज सकते हैं और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर
बैठे हम एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। तो हम गैस सिलेंडर को घर पर ही बैठकर एक क्लिक में क्लिक जमा कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हाँ, अगला क्वेश्चन होगा, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में NSDL वेबसाइट से खाते और फॉर्म खाली स्थान ऑनलाइन भरें। तो कौन सा फॉर्म भरना होता है? ऑप्शन है 89A, ऑप्शन बी 49A, ऑप्शन सी 39A, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमें नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए ऑप्शन बी 49A 49A का फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेबसाइट irctc.co.in से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। तो IRCTC किसके लिए सेवा है? आधार कार्ड के लिए, ट्रेन टिकट के लिए, ITR, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम IRCTC से ऑनलाइन ट्रेन टिकट प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? ऑप्शन है कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए, आधार कार्ड की स्थिति का पता लगाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोगो किस सेवा को दर्शाता है? स्पष्ट दे रखा है, आधार का लोगो है, तो ऑप्शन बी आधार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पैन पैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है परमानेंट एसेट्स नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट एक्सेस नंबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन बी है, परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।